ग्लोरी टू गॉड मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन में वेलकम करता हूं और आज हम एक न्यू डिवाइन डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है गिव योर होल हार्ट टू गॉड अपना सारा दिल खुदा को दे और हम इसके लिए हवाला पढ़ेंगे इमसाल की किताब उसका तेईसवा बाब और उसकी छब्बीसवीं आयत प्रोवर्ब चैप्टर ट्वेंटी थ्री वर्स ट्वेंटी सिक्स या मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों आमिन इसके साथ एक और हवाला देखेंगे मती की अंजील उसका बाईसवां बाप और उसकी सैंतीसवीं आयत गोस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी टू वर्स थर्टी सेवन उसने उससे कहा क्या खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख बड़ा और पहला हुक्म यही है आमिर और आज हम डिवाइन डायरेक्शन में दिल के ताल्लुक़ से जानेंगे कि दिल जो है खुदा के नज़दीक इसकी क्या अहमियत है और खुदा इंसान की जिंदगी में क्या चाहता है क्या वो मांगता है इंसान से आज की डायरेक्शन में आज की इलाही हदायत में हम इस बात पर जो तो हैं वो गौर करेंगे और जैसा कि दिल के ताल्लुक से दिल के ताल्लुक से हम सब जानते हैं कि दिल जो जिसम के अंदर खून की सर्कुलेशन जो है वो करता है पूरे बदन में खून को सर्कुलेट करता है और जिसम का जो ख़ास हिस्सा है वो दिल है सेंटर पॉइंट है जिसम का और जैसा अगर हम दिल की एनाटोमी के ताल्लुक़ से जाने तो इंसान का दिल जो है उसके फोर है, चैम्बर्स हैं चार हिस्से हैं जिनमें राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंटिकल और ये ऐसे हिस्से हैं जिनसे खून गुजरता है और हमारे सारे जिस्म में जो है वो सर्कुलेट होता है और हमारा जिस्म जो है ये पंप अप करता है बीट करता है पंप करता है इसके पंप करने से इन चार हिस्सों में से जो है वो खून गुजर कर जो है वो पूरे में जाता है और में जाता है तो खुलियों को जिंदगी देता है उनको ऑक्सीजन देता है और फिर वापस वो ब्लड इन जिसम में से सर्कुलेट होता हुआ वापस फिर इस दिल में आता है दिल उसको फिर जो है वो लंग्स में भेजता है लंग्स में जो खून है वो उसको जो है ऑक्सीजन से लोड करता है और लंग्स उसको वापिस दिल में भेज देता है और ये सर्कल जो है वो जारी रहता है तो इंसान जो है वो जिंदा रहता है दिल के पंप करने से जिंदगी जो है वो जारी होती है अगर दिल जो है ये बंद हो जाए तो इंसान डेड हो जाता है खून हु, की सर्कुलेशन रुक जाए तो इंसान जो है वो डेड हो जाता है वो मर जाता है और दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी को हमारा दिल जो है वो जारी रखता है और तकरीबन ये एक लाख मरतबा पम्प करता है वो धड़कता है और पूरे साल में जो है ये थर्टी फाइव मिलियन जो है हमारा दिल जो है धड़कता है ये रुकता नहीं है अगर ये रुकेगा तो इंसान की मौत वाकया होगी दिल जो है वो खून की जो है वो सर्कुलेशन को खून की हरकत को जो है ये जारी रखता है तो जब हम रूहानी तौर पर एक देखते हैं कि जिस तरह जिसम में इंसान का दिल होता है और दिल ही एक ऐसी जगह है जहां पर ये सारी चीजें जो हैं वो पैदा होती हैं यानी हमारे ख्याल पैदा होते हैं हमारी डिजायर जन्म लेती हमारे इमोशंस हमारे जज्बात हमारी मोहब्बत करना लव करना नफरत पॉजिटिव नेगेटिव जज्बात, ख्याल तस्वूर जो है ये इसी दिल से जो है वो जन्म लेते हैं और इसी दिल के वसीला से हमारी रूह में जो है वो सर्कुलेट करते हैं और वहीं से जब हमारे दिल के अंदर हमारी रूह के अंदर जब ये ख्याल जज्बात एहसास जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं वो उभरते हैं वो पैदा होते हैं तो फिर जो है हमारी जिंदगी में जो है वो इन एहसास इन जज्बात की वजह से जो है वो काम जो है वो रूनुमा होते हैं यानी एक्शंस जिन ख्याल की तरफ हम रागिब हो जाते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं यानी वो काम होना शुरू हो जाते हैं यानी जैसे इंसान का दिल जिसमानी तौर पर उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है इसी तरह इंसान का जो रूहानी दिल है उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है बड़ी अहम चीज है और जब हमने हवाला पढ़ा सुलेमान के ताल्लुक से कि सुलेमान कहता है कि मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे तो सुलेमान अपने बेटे को कह रहा है नहीं ये सुलेमान को खुदा जो है वो गाइड कर रहा है वो खुदा सुलेमान के जरिए से उसने प्रोवोब में इमसाल की किताब में ये रिटर्न किया ये लिखवाया कि मेरे बेटे मुझे अपना दिल दे मुझे अपना दिल दे दे यहां पर वो बात कर रहा है जो सुलेमान से भी बड़ा है ये सुलेमान की बात अपने बेटे के लिए नहीं है ये खुदा की बात है जो वो अपने बेटे से कह रहा है जो वो आपसे मुझसे अपने बेटे और बेटियों से मुहातिब है सुलेमान के जरिए से और वो कह रहा है कि मेरी बेटी ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे दे खुदा क्या चाहता है इंसान की जिंदगी खुदा इंसान से क्या डिजायर करता है खुदा इंसान से क्या मांगता है सिवाय इसके कि इंसान उसको अपना दिल दे दे खुदा को किसी रुपए पैसे की जरूरत नहीं है खुदा को किसी हदिए नजराने की जरूरत नहीं है इनसे भरकर खुदा यह चाहता है कि इंसान अपना दिल उसको दे दे चाहे आप अपने हदय नजराने उसकी हजूरी में ले आए चाहे आप दकियां उसकी हजूरी में ले आए उमदा से उमदा खजाने उमदा से उमदा हदिए उसकी हजूरी में ले आए लेकिन अगर आपका दिल उसके पास नहीं है आप अपने दिल को उसके पास नहीं लाते तो ये सारी चीजें फजूल हैं आपके हदिये नजराने द यकियां की हजूरी में मकबूल नहीं ठहरेंगे वो इनको कबूल नहीं करेगा अच्छा ये है कि आप हदीये नजराने द भी उसकी हजूरी में लेकर आए और इसके साथ अपने दिल को भी खुदावंत की हजूरी में लेकर आए यानी अपना दिल भी उसको दे दे तो फिर वो आपके हदिये नजरान कबूल करेगा जिस तरह उसने हाबुल के नजरानों को कबूल किया क्योंकि हाबुल पूरे इमाम से पूरे दिल के साथ खुदा के हजूर आया लेकिन कायन का दिल जो था वो खुदा के साथ ठीक नहीं था जिसकी वजह से खुदा ने हाबिल के हदियों को हदीये को कबूल किया लेकिन काइन के हदीये को रिजेक्ट किया खुदा के पास आने के लिए हमें पूरे दिल की जरूरत है और ये दिल हमें खुदा को देना है और जब आज हम डिवाइन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि अपना पूरा दिल खुदाउन को दें अपना सारा दिल खुदावंत को दे तो इसमें यह बात है कि अगर हम खुदावंत की हजूरी में आना चाहते हैं तो हम पूरे दिल के साथ आए और पूरे दिल को उसको दें जिस तरह उसने कहा यह मेरे बेटे अपने दिल को मुझे दे जब वो कहता है यह मेरे बेटे अपने दिल को मुझे दे तो फिर हमें फौरन दिल जो है वो उसको दे देना है और ये दिल जो है ये खुदा से दूर होना नहीं चाहिए जैसा बाज लोग जो है वो खुदा उनकी हजूरी में आते इलीसियाओं में बैठे होते उसकी हम तक करते हैं लेकिन उनके दिल खुदा से दूर होते हैं वो जस्ट एक जो है वो इबादत करने के लिए वो आ जाते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लेकिन दिल से नहीं हमें ऐसे दिलों के साथ नहीं आना जो खुदा से दूर हो और ये साया कहता है कि ये जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंटों से मेरी ताजीम करते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर है ये साया इस बात को कोट कर रहा है ये साया जो है वो कह रहा है इसराइल के लीडरों से इसराइल की जमात से और इसी हवाले को उदाम यीशु मसीह ने भी मती की अंजील में कोट किया कि ये लोग होंटों से तो मेरी इज्जत करते हैं लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है ये बेफायदा मेरी प्रस्त करते हैं ये बेफायदा मेरी स्थाइश करते हैं और ये इंसानी अहकाम पर चलते हैं ये साया जो है जब वो बात कर रहा है तो उस दौर के काहिनों के ताल्लुक से उस दौर के इसराइल के लोगों के ताल्लुक से जो सिर्फ होंटों से मुंह से खुदा की प्रस्तश करते थे लेकिन उनके दिल दूर थे और जब मसीह अपने दौर में यह हवाला कोट कर रहा है तो मसीह फकी फरीसियों के तालुक से यह बात कहता है यानी ये साया अपने दौर के लोगों के ताल्लुक से और खुदावंद अपने दौर के फकी फरीसियों के ताल्लुक से जो होटों से प्रतिष्ठित करते जो होंटों से खुदा की इज्जत करते थे लेकिन उनके दिल खुदा से दूर थे वो दिखावे के लिए सब कुछ करते थे वो बाजारों में खड़े हो जाते दुआएं करते दुआओं को तूल देते रोजे रखते अपने सर पर राख डालते और अपने बालों को बिखेर कर वो गलियों कूचों मार्केटों में वो ग्रुप के ग्रुप जाते थे ताकि लोग उनको जाने कि वो कितने रासवास वो कितने खुदा के साथ चलने वाले हैं लेकिन वो खुदा के हुक्मों की नस्बत वो खुदा के अहकाम की नस्बत वो इंसान के अहकाम पर अमल करते थे यानी मैन मेड कस्टम्स मैन मेड रिचुअल इंसान की बनाई हुई रवायात पर वो चलते थे और जब खुदा यूसु मसीह ने यह हवाला कोड किया कि तुम जो हो वो जुबान से बस मेरी इज्जत करते हो खुदा की और तुम्हारे दिल अंदर से दूर है तो खुदा ने इसके साथ जो था वो शरीय का एक हुक्म के मां बाप की इज्जत करना तो तेरी उम्र दराज होगी और जो कोई मां बाप की इज्जत नहीं करेगा उनकी बेजती करेगा वो हलाक किया जाएगा उन्होंने इस हुकम को शरीयत के बदल डाला था अपनी मर्जी से उन्होंने इसको बदल डाला था और तब खुदा यूसु मसीह के दौर में जब एक मां बाप को किसी चीज की जरूरत होती तो उनका बेटा यह कह देता कि ये जो चीज है ये पैसे जो है या ये खुराक जो है या ये कोई भी चीज जिनकी मां बाप को जरूरत है ये मैं खुदा की नजर के लिए मैंने ये ठहरा दी है जानबूझ कर वो अपने मां बाप की इंसल्ट करते थे उनकी जरूरियात को पूरा नहीं करते थे और मसीह ने ये हवाला इस जगह पर कोट किया और साथ में कहा कि तुम होंटों से मेरी प्रस्तुश करते हो लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो दूर है यानी कहने का मतलब मसीह का ये है कि जो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते चाहे वो अपनी जुबान से सारा दिन ही क्यों ना खुदा खुदा कहते रहें खुदा का शुक्र कहते रहे और बहुत से लोग हम देखते हैं कि जब हम उनको मिलते हैं तो वो बड़ी दलेरी के साथ कह रहे होते खुदा का बड़ा शुक्र है खुदा ने हमें बड़ी बरकत दे रखी है लेकिन उनकी जिंदगियां उनके दिल खुदा से दूर होते हैं और वो अपने दिलों के मुताबिक दुनिया के अंदर दुनिया की ख्वाहिशों के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर कर रहे होते हैं लेकिन वो जुबान से कह रहे होते हैं कि खुदा 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 का बड़ा शुक्र है खुदा हमारे साथ है लेकिन चूंकि उनके दिल खुदा से दूर है तो याद रखें खुदा भी उनसे दूर है वो जितनी मर्जी प्रस्तिष कर ले जितनी मर्जी वो खुदा की इबादत कर ले वो अगर उनके दिल दूर है तो खुदा उन भी उनसे दूर है और उनकी इबादत उनकी हम जो है वो बेफायदा है जिस तरह मसीह ने कहा कि वो बेफायदा मेरी स्त करते हैं और पुराने अहदामा में इस बात को लिखवाया गया कि खुदा का नाम बेफायदा ना लेना हुक्म दर्ज करवाया गया कि खुदा का नाम बेफायदा ना लेना तो इसका क्या मतलब है कि हम खुदा का नाम नहीं ले सकते या खास वक्त में ले सकते हैं या फायदे के साथ ले सकते हैं जब यह बात कही गई है कि खुदा का नाम बेफायदा ना लेना तो इसका मतलब है कि सिर्फ होटों से नहीं बल्कि दिल से भी उसकी परस्त की जाए उनको चाहिए था फकीफ को चाहिए था कि वो दिल से भी उसकी प्रस्तुश करते और होंटों से भी उसकी प्रस्तुश करते जब हम दिल से प्रस्तुश करेंगे तो फिर वो हमारे होंटों पर आएगी और हम फिर जब उसकी प्रस्तिश करेंगे तो खुदा हमारी प्रस्तिष को जो है वो कबूल ठहराएगा इसलिए अज़ीज़ो, हमारे दिल खुदा से दूर नहीं हमारे दिल खुदा के नजदीक होने चाहिए बल्कि खुदा के पास होने चाहिए जब हम खुदा के पास अपने दिलों को रखेंगे या खुदा को अपने दिल दे देंगे तो फिर जब हम प्रस्तिश करेंगे तो खुदा का रूह कसरत के साथ जोर के साथ हमारी जिंदगियों में जुम्बश करेगा तो इसलिए दूर दिलों के साथ नहीं बल्कि दिल की नजदीकी के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करें जुबान से भी उसकी प्रस्तुष दिल से भी और जबूरों में आया है कि मैं अपना मुंह खोलकर कर तेरी हमद करूंगा और जबूरों में यह भी आया है कि मैं पूरे दिल से मैं दिल से पूरे दिल से पूरी सच्चाई से तेरी हमद पूरी करूंगा तो इसलिए अगर जो कोई शख्स खुदा के हुक्मों पर अमल करता है तो इसका मतलब है कि उसका दिल खुदा के नजदीक है दूर नहीं है और सिर्फ फोटो से उसकी प्रस्तुश करना और दिलों को दूर रखना यह रियाकारी है यानी दिखावा है दूसरों को दिखाना कि मैं खुदा के साथ चल रहा हूं जिस तरह फकी फरीसी करते थे और उनको उनका अजर इस जमीन पर मिल गया लेकिन अगर आप पूरी रास्ती के साथ पूरे दिल के साथ दिल की नजदीकी के साथ खुदा के पास आएंगे खुदा की हमद करेंगे उसकी स्त करेंगे तो फिर खुदा आपको अपनी बरकतों से मालामाल करेगा रयाकारी नहीं बल्कि सच्चाई के साथ हिपोक्रेसी नहीं बल्कि त्रुत के साथ और पाकिजगी के साथ उसकी हजूरी में आए तस्वीश करें हमद करें और उसके हुक्मों पर भी अमल करें तो फिर खुदा जो है वो हमारे दिलों की हिफाजत करेगा और उसमें कोई ऐसा ख्याल कोई ऐसी सोच कोई ऐसा तस्वर कोई ऐसा जज्बा कोई ऐसा इमोशन पैदा नहीं हो सकता जो खुदा उनकी मर्जी के खिलाफ और जब आज हम डिवाइन डायरेक्शन में पूरे दिल के साथ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा के पास पूरे दिल से हैं। होल हार्ट के साथ यानी इसका मतलब है कि एक दिल दो हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है यकीनन लोगों के दिल इस दुनिया में और बाज ईमानदारों के दिल दो हिस्सों में डिवाइड हुए हुए हैं डिवाइडेड हार्ट के साथ वो जिंदगी बसर कर रहे हैं लेकिन खुदा कहता है कि मेरे बेटे अपना दिल यानी अपना पूरा दिल आधा दिल नहीं अपना पूरा दिल तुम मुझे दे दे और जबुर नवीस कहता है कि यह खुदा अपनी रा की तालीम मुझे दे ताकि मैं तेरी रास्ते में चलूं मेरे दिल को एक सोई बख्श ताकि मैं तेरा खौफ मानूं और ए रब या रब मैं पूरे दिल से तेरी हमद करूं यानी जबूर नवीस वो इस बात को जानता है कि खुदा जो है वो डिवाइडेड हार्ट के साथ या तकसीमशुदा दिल के साथ जब हम उसके पास आएंगे या तकसीमशुदा दिल उसको देंगे तो खुदा जो है वो उसको पसंद नहीं करेगा उस दिल को नहीं लेगा और डिवाइडेड हार्ट का जो मतलब है कि एक शख्स जो दो चीजों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो या एक शख्स जो दो लोगों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो ये डिवाइडेड हार्ट है खुदावंद ऐसा दिल नहीं चाहता खुदावंद अनडिवाइडेड हार्ट चाहता है और जबूर नवीज इस बात को जानते हुए वो खुदा से दुआ करता है कि खुदा मेरे दिल को यकसोई बख्श जिसका मतलब है कि खुदा मेरे दिल को यूनाइट कर होल हार्ट मुझे बना दे ताकि फिर मैं तेरा खूब मानूंगा जब तू मेरा होल हार्ट बना देगा तो फिर खुदा मैं पूरे दिल से तेरी प्रशंसा करूंगा तेरी हमद करूंगा कह रहा है कि जिसके पास दिल की एक सोई है होल हार्ट है वही शख्स जो है पूरे दिल से तेरी प्रस्तृष कर सकता है और करता है लेकिन जिसका दिल तकसीम हुआ है बटा हुआ है वो पूरे दिल से तेरी प्रस्तृष नहीं कर सकता यानी एक शख्स जिसने खुदा में भी अपना दिल लगाया हुआ है और दुनिया में भी वो खुदा के साथ चलने का भी दावा करता है और दुनिया के कामों को भी करता हुआ नजर आता है उसका फोकस बटा हुआ है उसके ख्याल बटे हुए हैं उसका दिल बटा हुआ है दो चीजों में उसकी मोहब्बत दोनों के लिए पूरी नहीं है उसका लव दोनों के लिए कामिल नहीं है लेकिन जब खुदा की बात करते हैं तो खुदा जो चीज हमसे डिमांड करता है जो चीज वो मांगता है वो पूरा हाथ पूरा हाथ है वो पूरा दिल है वो कहता है कि मेरे बेटे पूरा दिल मुझे दे दे और जब हम दिल खुदा को देंगे तो फिर खुदा इस दिल की हिफाजत करे फिर खुदा इस दिल का मालिक बन जाएगा मास्टर बन जाएगा और जब खुदा इस दिल का मालिक बन जाएगा फिर वो आप पर अपनी राहों को ओपन करेगा आपकी आंखों को रोशन करेगा आपकी आंखों को खुशी देगा क्योंकि तब आप खुदा की राहों को जानेंगे जब खुदा आपके दिल का मालिक होगा फिर आप खुदा की सच्चाइयों को जो है वो जानना शुरू हो जाए, अपनी आंखों से अपने रू से अपने दिल से तो इसलिए हमें दुआ करनी है कि खुदा तू मेरे दिल को यसोई बख्श यानी मुझे होल हार्ट बना दे और आजकल जब हम दुनिया पर गौर करते हैं तो बाज ऐसे ईमानदार भी हैं जो खुदा के साथ भी चलते हैं और दुनिया के साथ बाज ऐसे परिस्तार भी हैं वर्शिपर्स जो हजा के परिस्तार वर्ष होने का दावा करते हैं कलिसियाओं में चर्चिस में वो बड़े रू से ममूर होकर हजा की प्रस्तुश कर रहे होते हैं। ऐसे हुजा की हजूरी में आवाजों को बुलंद करते हैं जैसे पूरे दिल के साथ वो खुदा की प्रस्तुश कर रहे हैं लेकिन चर्चिस से जैसे निकलते हैं जब इस दुनिया में जाते हैं तो वो दुनिया के गानों को भी गाते हुए दिखाई देते हैं यानी उनके दिल बटे हुए हैं वो खुदा की परस्तिश भी करते हैं और अबलेस की भी प्रस्तिश करते हैं वो खुदा में भी चलने का दावा करते हैं और अबलेस में भी यानी उनको उनके दिलों को दुनिया की रगबतें दुनिया की अट्रैक्शन जो है दुनिया के ख्वाहिशें दुनिया के गाने दुनिया की शहरत उनको अपने पीछे जो है वो खींचती है और वो खुदा को नजरअंदाज करते हुए अपनी खिदमत को नजरअंदाज करते हुए वो दुनिया के कामों में दुनिया के गानों को गजलों को वो गाते हुए नजर आते हैं ऐसा शख्स खुदा का परिस्तार नहीं है वो अपने आप को धोखा दे रहा है वो चर्च को धोखा दे रहा है और खादमिन ऐसे कहते हैं कि ये चीजें नॉर्मल है कुछ नहीं होता कुछ क्यों नहीं होता जब एक शख्स अब के दुनिया के गाने गाएगा उन पर डांस करेगा तो वह शख्स ना पाक होता है वो उस पर आती है और खुदा उससे जुदा हो जाता है तो इसलिए दिल के यकसोई के साथ होल हार्ट के साथ खुदाउं की परस्तिश करे जैसे दाऊद करता था जैसे आसिफ ने उसकी प्रस्तिश की जैसे कन्नानिया ने उसकी परस्तिश की जैसे हेमान ने उसकी स्थाइश की ये लोग जो लावियों के घराने से थे और दाऊद यहूदा के घराने से था ये पूरे दिल के साथ प्रस्तुश करते थे पूरी जान के साथ प्रस्तुश करते थे क्योंकि उन्होंने अपने दिल जो थे वो खुदा को दे रखे थे खुदा इनके दिल का जो था वो मालिक था इन्होंने अपने दिलों को खुदा के कब्जे में दिया हुआ था इसलिए वो प्रस्तुश रूह के साथ करते थे पूरे दिल के साथ करते थे तो फिर खुदा का रूह इन पर नजिल होता था और जब इसबल का दौर था और वो अपने झूठे नबियों के साथ चार सौ उसके झूठे नबी थे उसके साथ जो वो इसराइल पर हुक्मरानी कर रही थी तो उसने इसराइल कौम को बाल की बालियम की बुतों की प्रस्तिष की तरफ उसने रागब किया और उस दौर में एलिया मर्द खुदा था जो इतने मुश्किल हालात में भी खुदा की खिदमत कर रहा था एजबल खुदा के नबियों को कत्ल करवा रही थी एलिया के पीछे पड़ी हुई थी लेकिन एलिया को खुदा ने मजबूत किया और वो एजबल और बाल के पुजारियों के खिलाफ वो खड़ा हुआ और उसने इकट्ठा किया इसराइल कौम को और बाल के पुजारियों को बाल के वर्शिपर्स को और उसने इसराइल से मुहातिब होकर एक बात कही कि तुम कब तक दो ख्यालों में डावा डोल रहोगे अगर खुदा है अगर खुदा खुदा है अगर यह खुदा है तो फिर यह की पैरवी करो अगर बाल खुदा है तो फिर बाल की भी करो यानी वो कह रहा है कि जिसको तुम मानते हो वो खुदा है तो उसकी प्रस्तिश करो उसकी इबादत करो उसके हुक्मों को मानो तुम क्यों दो ख्यालों में डोल हो तुम क्यों तुम्हारे दिल जो है वो दो हिस्सों में बटे हुए दो ख्यालों का मतलब दो हिस्सों में दिल का तकसीम होना यानी ये ख्याल जो है ये इंसान के दिल से निकलते हैं ये ख्याल ये तस्वुरात इंसान के दिल से जो है ये निकलते हैं तो जब एलिया बात कर रहा है कि तुम दो ख्यालों में तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल दो हिस्सों में क्यों बटे हुए हैं एक बाल की और एक खुदा की वो खुदा की प्रस्तुति करते थे और बाल की भी तो एलिया ने कहा कि तुम क्यों दो ख्यालों में बटे हुए तो फिर एलिया ने बाल के पुजारियों को चैलेंज किया दो बैल लाए जाए उनको काटा जाए दो हिस्सों में तकसीम किया जाए एक बैल तुम ले लो एक मैं उनको लकड़ियों पर रखो और अपने देवताओं से कहो कि इस बैल को लकड़ियों को वो आग से जलाएं जो देवता या मेरा खुदा अगर आसमान से आग भेजेगा इस बैल और लकड़ियों को जलाएगा तो उसने कहा वही जिंदा खुदा है तो पहले बाल के पुजारियों ने कोशिश की सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई आसमान से आग नहीं आई वो चलाए रोए बाल के सामने उन्होंने अपने आप को जख्मी किया लेकिन बाल ने उनको जवाब ना दिया फिर जब एलिया की टर्न स्टार्ट हुई तो उसने मस्बा बनाया बैल को काटा उसको लकड़ियों के ऊपर रखा और मस्बे के चौगी उसने एक खंदक जो थी वो खुदाई और उसमें पानी भरा उस मसबाब के चारों तरफ में और उसने फिर खुदा से दुआ की उसने कहा कि खुदा तू बता दे कि तू ही खुदा है यह हवा तू बता दे कि तू ही खुदा है आसमान से आग नाजिल कर जब उसने ये दुआ की तो आसमान से आग आई और उस मस्बह पर पड़े हुए बैल को लकड़ियों को पानी को चट कर गई उसकी दुआ पर क्यों आ गई? क्योंकि वो एक ख्याल के साथ एक दिल के साथ खुदा से दुआ कर रहा था और एक दिल के साथ जब उसने खुदा से दुआ की तो खुदा ने आसमान से आग भेजी बटे हुए दिल के साथ नहीं यानी जो लोग होल हार्ट के साथ यूनाइट हार्ट के साथ अनडिवाइडेड हार्ट के साथ जब वो खुदा की करते हैं उसकी हजूरी में दुआएं उठाते हैं तो फिर खुदा का डू उन पर नाजिल होता है फिर खुदा की आग उन पर नाजिल होती है बरकतें नाजिल होती हैं कलाम नाजिल होता है वो नाजिल होते हैं और वो लोग खुदावन में भटते चले जाते हैं क्योंकि वो एक दिल के साथ यक दिल के साथ वो होल हार्ट के साथ खुदा की दुआ करने वाले होते हैं तो इसलिए आज चर्च को होल हार्ट के साथ दुआ करनी है वर्शिपर्स को होल हार्ट के साथ दुआ करनी है। खादमों को दिल की यकसोई के साथ चलना है अगर वो खुदा की किंगडम में कसरत से काम करना चाहते हैं क्योंकि खुदा दो दिलों से बेजार है वो दो दिलों को जो है वो अपनी हजूरी से आउट करते हैं और हम अमिसिया बादशाह के ताल्लुक से पढ़ते हैं के तालुक से लिखा है कि उसने खुदा की हजूरी में खुदा की नजर में ठीक किया पर कामिल दिल से नहीं यानी खुदावंत की हजूरी में वो चला है खुदावंत की कलाम पर उसने अमल किया है लेकिन कामिल दिल से नहीं यानी पूरे दिल के साथ वो खुदा की हजूरी में नहीं आया उसने बाज बातें थी जिन पर अमल किया जैसे उसने अपने बाप शाही युवास के कातलों को कत्ल करवाया पर उनकी औलाद को कत्ल नहीं किया क्योंकि शरीयत में था कि तुम बच्चों के बदले बाप को और बाप के बदले बच्चों को हलाक ना करना उसने ये बात शरीयत के मुताबिक जो थी वो की कि उसने अपने बाप के मुलाजमों को जिन्होंने उसके बाप को कत्ल किया था उनको कत्ल किया पर उनकी औलाद को उसने छोड़ दिया और फिर जब वो अदुम के खिलाफ निकला कोई शहर में तो उसने इसराइल को अपने साथ लिया उन उसने इसराइल के सुरमाओं को उजरत पर बुलाया ताकि वो उसके साथ जाएं और अधूम से जंग लड़े यहां पर हमें एक बात समझने की जरूरत है यहां पर यहूदा का बादशाह इसराइल को बुला रहा है तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि यहूदा इसराइल ये कौन है और जब रुबाम हकूमत कर रहा था जब खुदा ने उसकी हकूमत को उसकी बादशाही को डिवाइड कर दिया उसके अमल की वजह से तो बनी इसराइल कौम दो हिस्सों में तकसीम हो गए दस कबीले एक तरफ दो कबीले एक तरफ दस कबीले सामरिया में हुकूमत करने लगे और दो कबीले यरूशलम में यहूदा में दो कबीलों में यहूदा का कबीला और बिन्याबीन का कबीला जो यहूदा की किंगडम थी जो दो कबीलों पर मुश्तमिल थी वो यहूदा की हुकूमत कहलाई और जो दस कबीलों सामरिया की हुकूमत थी सामरिया में हुकूमत थी दस कबीलों की वो इसराइल की हुकूमत कहलाई और यहूदा की हुकूमत को जनूबी हुकूमत भी कहते हैं। और इसराइल की हुकूमत को शमाली भी हुकूमत कहते हैं तो इसलिए हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए और यहूदा की हुकूमत को किंगडम ऑफ जूडा यहूदा की हुकूमत और दस कबीलों की हुकूमत को इफ्राइम की हुकूमत भी कहते हैं। तो यह डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए तो यहूदा के बादशाह ने ने उसने इसराइल जो दस कबीलों जो सामरिया में थे दस कबीले उसने एक लाख सूरमा जबरदस्त जंगी मर्द उसने मंगवाए उनको उजरत पर एक सौ कंतार चांदी उनको दी ताकि वो अमिस्या के साथ मिलकर अधूम के साथ जंग करें और खुदा ने कहा अपने एक नबी को भेजा मर्द खुदा को के इसको कह कि इफ्राहीम इसराइल की फौज तेरे साथ जाने ना पाए अगर वो जाएंगे तो तू दुश्मन के आगे गिरेगा क्योंकि मैं ही खुदा हूं जो उठाता है और जो गिराता है क्योंकि मैं इफ्राहीम के साथ नहीं हूं तो खुदा ने उसको पहले कह दिया मैं इफ्राहीम के साथ नहीं हूं क्योंकि उनके दिल मुझसे दूर है क्योंकि उन्होंने अपने दिल मुझे नहीं दिए वो मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते बुतों की प्रस्तिश करते वो बालियम की प्रस्तिश करते ये सीरतों को उन्होंने अपने लिए घड़ा हुआ है मैं उनके साथ नहीं इसलिए अगर इफ्राइम तेरे साथ जाएगा तो तू गिरेगा तो खुदा ने कहा उसको लेकर ना जा अगर तू जाना चाहता है अकेला जा यानी मैं तेरे साथ हूं तो अकेला जा तुझे इनकी जरूरत नहीं तो उसने खुदा के कहने के मुताबिक किया अपने दिल को खुदा की बात पर लगाया और उसने इसराइल को वापस लौटा दिया और वो अदुम को जंग करने के लिए गया खुदा ने उसको फता दी और फता उसको दी उसने अदुमियों का कत्ल किया और जब वो कोई शेर से लौटा तो उसने एक हमाकत कर दी कि उनके बुतों को उनकी मूर्तियों को उनके स्टेचूस को उनके आइडल्स को वो अपने साथ उठा लाया और उसने उनके सामने सजदा किया उसने बखूर जलाया और खुदा ने फिर उस मर्द खुदा को वापस भेजा खुदा ने कहा कि तू क्यों इन बुतों का जो है वो तालिब हुआ है तुमने तो क्यों इनको सजदा किया है क्या मैं खुदा नहीं क्या मैंने तुझे इनके हाथ से नहीं छुड़ाया तू क्यों उन बुतों को ले आया है जिन्होंने अपने लोगों को तेरे हाथ से नहीं बचाया तो उसने अपना दिल डिवाइड किया बुतों की तरफ और फिर खुदा का उस पर गजब नाजिल हुआ और खुदा ने उस बादशाह को अमिस्या को जो था वो हला किया उसको कत्ल किया और अपनी हजूरी से दाऊद की बादशाही से उसको काट डाला तो इसलिए खुदा उनकी हजूरी मैं आने के लिए पूरे दिल का होना लाजमी है होल हार्ट का होना लाजमी है फिर आप खुदा की हजूरी में चलेंगे तो खुदाउंद आपको हर तरह से इकबाल मंद करेगा जितने मर्जी आपकी जिंदगी में तूफान हो जितने मर्जी आपकी जिंदगी में मुश्किल हो, अगर खुदाउन के पास आप पूरे दिल से आते हैं उसकी हजूरी में पूरे दिल से चलते हैं उसके कलाम पर अमल करते हैं तो फिर खुदा आपको इन तूफानों से इन मुश्किल से वो निकाल देगा और इसराइल में एक ऐसा बादशाह मिलता है जिसकी आज तक मिसाल कायम है बाइबल में इसराइल में कलिसियाओं में और वो बादशाह यूसिया बादशाह और जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो वो खुदा का तालिब हुआ उसने खुदा की हजूरी में अहद किया कि खुदावंद मैं अपना दिल तुझे देता खुदावंद मैं अपने सारे दिल से सारी जान से और सारी ताकत से मैं तेरी हजूरी में तेरी पैरवी करूंगा और यूसिया के तालुक से लिखा है कि यूसिया से पहले यूसिया की तरह कोई बादशाह ना उठा और यूसिया के बाद भी यूसिया की तरह का कोई बादशाह ना उठा और उसके दौर में हैकल की मरम्मत हो रही थी और जब हैकल की मरम्मत हो रही थी तो खिलकिया काहिन को मरम्मत करते हुए उसको शरीयत के तुमार मिले तो वो उस शरीयत के तुमार को यूसिया के पास ले आया और यूसिया को पढ़कर सुनाया और यूसिया ने अपना दिल खुदा की उस शरीयत पर लगाया उसने हकल में लोगों को जमा किया उसने काहिनों को जमा किया की जमात को जमा किया, और उसने काहिनों के सामने, के सामने, सामने, खुदा के सामने उसने किया कि मैं खुदा अपने सारे दिल से अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से मैं तेरी पैरवी करूंगा और लिखा है कि के, के बादशाहों की मानित नहीं था और ना ही कोई उससे पहले या उसके बाद ऐसा बादशाह भरपा हुआ जिसने अपने पूरे दिल को खुदा की तरफ दे दिया पूरे दिल के साथ वो मूसा की शरीय के मुताबिक खुदा की तरफ रजू लेकर आया और उसने खुदा की पैरवी की अपना दिल दे दिया और उसने जो थे एक हैकल की मरम्मत रेनोवेशन का काम करवाया और दूसरा जो ईद फसा जो सालों से यहूदा के बादशाह नहीं मनाते थे उसने अपने पीरियड में ईद फसा को मनाया और एक ऐसी बड़ी फसा जो उससे पहले कभी किसी बादशाह ने नहीं मनाई और लिखा है कि काज़ियों के, के दौर से सैमुअल के दौर से लेकर यूसिया के दौर तक ऐसी बड़ी फसा किसी ने सेलिब्रेट नहीं की उसने खुदावंत के हुक्मों को अपने दिल में रखा और उन पर पूरी पूरी अपनी जान से ताकत से उसने पैरवी की और खुदावंद ने भी कहा फकी फरीसियों ने पूछा कि कौन सा बड़ा हुक्म है तो उसने इस की किताब में से वो हवाला जो बड़ा हुक्म है वह कोड किया उसने कहा कि तू अपने खुदावंत से अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से उससे मोहब्बत कर जो काम यूसिया ने किया वो खुदाउंद यूसुम कहने का कह रहा है और साथ में खुदाउद यूसुम ने कहा यही पहला और बड़ा हुक्म है दिल से यानी होल हार्ट ये खुदाउंद के लिए हो और जान की बात जब हम करते हैं तो ये जिंदगी जो खुदा ने हमें जिंदगी दी इस जिंदगी से सारी जिंदगी से पूरी जिंदगी से हमें खुदा खुदा से मोहब्बत करनी और जब खुदा यूसुम से कहा अकल इंटेलेक्चुअल पावर अपनी सोचों अपने ख्याल ये जो खुदा ने हमें अकल दी है इस अकल के साथ खुदा की प्रस्तिश करनी और सारे जोर ताकत के साथ सारे जोर का मतलब है इसका मतलब एक बदनी जो खुदा ने हमें कुवत दे रखी यानी इस बदनी ताकत के साथ भी हमें खुदा उनकी प्रस्तृत करनी है खुदा से मोहब्बत करे अपने तन मन धन से वो खुदा उनकी हजूरी में पूरे दिल के साथ अनडिवाइडेड हार्ट के साथ खुदा उनसे मोहब्बत करे तो फिर खुदा उसको बरकत देगा फिर वो खुदा में कायम रहेगा और हमें अपने सारे दिल से खुदांद से मोहब्बत करनी है तो तब ही हम खुदा उनकी हजूरी में आगे बढ़ेंगे उसमें मज़बूत होंगे और जोर आवर हो जाएंगे और जैसा दुनियावी तौर पर जिस्मानी तौर पर दिलों की बीमारियाँ लोगों में पाई जाती हैं इसी तरह रूहानी बीमारियाँ जो हैं वो लोगों में पाई जाती हैं हमें से पता चल जाता है कि यह शख्स दिल की किस बीमारी में मुबतला है जिस तरह डॉक्टर्स एक शख्स का टेस्ट करते हैं उसको मुआयना करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इस शख्स को फला दिल की बीमारी जो है वो लाहक है और बाइनक में यरमिया की किताब में आया है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीला बाबा और ला इलाज है इनक्योरेबल यानी दिल जो है वो सारी चीजों से ज्यादा धोखा देने वाला है डिसीटफुल दगा देने वाला जो चीज है पूरी दुनिया में वो दिल है हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को धोखा देते दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को धोखा देते और लोग कहते हैं कि ये शख्स जो है बड़ा धोखेबाज इसके साथ कोई भी लेन देन ना करना यह शख्स बहुत ही धोखेबाज शख्स लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बयान करती है कि दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा जो हीलाबाज है जो धोखेबाज है वो इंसान का दिल है क्योंकि इसी दिल से ख्वाहिशात जन्म लेती इसी दिल से ख्याल उठते हैं इसी दिल से तस्वुरा जो है वो जन्म लेते हैं वो फ्लो करते हैं जजबात और यही दिल अगर एक शख्स खुदाक में नहीं है तो ये दिल फिर उसको टैप करता है और दुनिया की ख्वाहिशों की तरफ उसको रागिब करता है दुनिया के चीजों की तरफ उसको रागिब करता है जैसे एग्जाम्पल शराब नशाबाज या जिनाकार उनका दिल उनको कहता है कि जिनाकारी नशाबाजी से जो है वो सुकून मिलता है इन चीजों से लुत्फ मिलता है और जब एक शख्स दिल के ट्रैप में फंस जाता है तो फिर वो इन ख्याल को जिनाकारी के शराब नोशी के ख्याल को धोखा दही के ख्याल को वो फिर अमली जामा पहनाता है जब वो उसको अमली जामा पहनाता है तो फिर गुना जो है वो वकूफ पजीर होता है तो इसलिए अपने दिल की ख्वाहिशों पे ना जाए क्या आपके दिल में क्या आ रहा है आपका दिल क्या कह रहा है और बाज लोग कहते हैं जी मेरे दिल ने जो मुझे कहा मैंने वो ही किया मेरा दिल कहता है मैं वही कुछ करता लेकिन याद रखें हमें इस दिल के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं बसर बस करना यह दिल ही है और पैदाइश की किताब में लिखा है कि इंसान का दिल शुरू से ही बुरी ख्यालों में पड़ा हुआ है यह नूह के दौर की बात है कि जब लोग अपने दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक जब उनका दिल उस वक्त उनको धोखा दे रहा था और वो गुनाह पर गुनाह कर रहे थे इतना गुनाह कि खुदा को नू तूफान लाना पड़ा और नू जिसका दिल खुदा के साथ कामिल था जो पूरे दिल के साथ चलता था जिसने अपना दिल खुदा को दे रखा था उस तूफान में उसको उसकी वजह से उसकी फैमिली को बचा लिया तो इस दिल के हाथों से हमें बचना है और जब ये दिल जो है इससे नेगेटिविटी उठती है और इंसान की जिंदगी को वो मुतासर करती है तो इंसान गुनाह की तरफ जो है वो भरता चला जाता है गुनाह पर गुनाह जो है वो वकु पजीर होता चला जा रहा होता है तो इसलिए दिल के इस दिल को खुदा के स्पुरद कर दे खुदा एक अच्छा प्रोटेक्टर है खुदा इसकी हिफाजत करेगा तो ये जो दिल है जिसका यर्मिया ने जिक्र किया कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लालाज है यह एक रासबाज का दिल नहीं है याद रखे यह दिल एक गुनेगार का दिल है जो अपने दिल से धोखा खा रहा है और यर्मिया कह रहा है ये ला इलाज है यानी इसका कोई क्योर नहीं है इसकी कोई मेडिसन नहीं बनी कि यह शिफा पा जाए और दिल की जो बीमारियां हैं जो लोग मुब्तला होते हैं उनकी जो निशानात जो उनकी जिंदगी में उनकी रूह में जाहिर होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा जब एक शख्स का दिल धोखाबाजी करे जब एक शख्स की जिंदगी में धोखेबाजी जिनाकारियां चोरियां नापाकियां तो इसका मतलब है कि उस शख्स का दिल जो है वो बीमार है वो दिली तौर पर बीमार शख्स जिसकी वजह से ये जो गुनाह है उसकी जिंदगी में उठ रहे हैं और जिसका दिल जो है वो बीमार है अब उन दिलों पर कब्जा करता है और फिर उनको अपनी मर्जी से चलाता है उन दिनों में वो खौफ लेकर आता है मायूसियां लेकर आता है परेशानियां लेकर आता है यानी उनके अमाल की वजह से अब्लीस को उसकी डिमोनिक स्पिरिट्स को पावर को मौका मिलता है कि वो इंसान के दिल को दिपोचे और उसमें खौफ मायूसियां पैदा करे और उसको और ज्यादा दिली तौर पर बीमार करे यहां तक के लोग दिल जो है उनका रूहानी तौर पर वो डेड हो जाता है रूहानी तौर पर मर जाते हैं चाहे वो जिंदा है जिस्मानी तौर पर लेकिन रूहानी तौर पर वो मरे हुए हैं क्योंकि उनका दिल जो है वो बंद है उससे जो है वो रासबाजी उससे वो पाकिज की उससे वो नजात जो है के ख्याल तस्वुरात जो है वो नहीं उठ रहे तो जो दिल खुदावन के कब्जा में नहीं है अब्लीस के कब्जा में है वो दिल जो है वो डेड है रूहानी दिल की बीमारियों की अलामत जो है वो यही है कि वो शख्स जो है वो गुनाह करता हुआ आपको नजर आएगा तो खुदाम युसु मसी ने भी कहा फकीफ रिसी कहते थे कि तेरे शगिर्द हाथ क्यों नहीं धोते ये नपाखातों से जो है वो खाना खाते हैं तो खुदाम युसु मसी ने कहा कि जो चीज इंसान के अंदर जाती यानी खाना खुराक वो उसको नापाक नहीं करती बल्कि जो चीजें इंसान के दिल से निकलती हैं वो चीजें उसको नापाक करती हैं और फिर खुदाउन युसु मसीह ने वहां पर जो थी वो नापाकियों का जिक्र किया दगाबाजी चोरियां जिनाकारियां नशेबाजियां ऐसी जो चीजें इंसान के दिल से निकलती हैं ये चीजें इंसान को जो है वो नापाक करती हैं ना के बगैर हाथ धोए खाना खाना और उनका कॉन्सेप्ट था उनका कस्टम था ट्रेडिशन आप कह सकते हैं कि रबी फकीफरीसी ये कहते थे कि जब एक शख्स बगैर हाथ धोए खाना खाता है तो एक बदरू जिसका नाम शिबता है वो उसके हाथों पर बैठ जाती है उसके खानों पर बैठ जाती है उसको हाथों को उसके खानों को नपाक करती है तो जब वो खाना खाता है तो वो नापाक हो जाता है लेकिन यस्ुम मसीह ने कहा खाने से नहीं इंसान के दिल के ख्याल उसके तस्वरत जो है इंसान को जो है वो नापाक करते हैं बीमार करते हैं और उसको मारते हैं तो इसलिए अपने दिल को चेक करें आप जो इस शर्मन को देख रहे हैं अपने दिलों को चेक करें कि आपके दिल की कौन सी कंडीशन है अगर ये जो कंडीशन मैंने बताई अलामत आपके अंदर हैं, तो जान लीजिए कि आप तोड़ पर बीमार शख्स हैं। आपको शिफा की जरूरत है आपको तोबा की जरूरत है आपको अपना दिल खुदा को देने की जरूरत है आप अनहेल्थी हार्ट के साथ गैर सेहत बख्श दिल के साथ आप जिंदगी बसर कर रहे हैं और आपके जो अंजाम है वो मौत है जिंदगी नहीं है जिस तरह एक जिस्मानी तौर पर दिली अमराज में मुबतला शख्स मर जाता है अगर उसका इलाज ना किया जाए इसी तरह रूहानी तौर पर रूहानी बीमारियों में मुबतला शख्स जो है उसको भी जो है उसका अंजाम जो है वह मौत है इसलिए जब यर्मिया कहता है कि ये इला, ला इलाज है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपको गुड न्यूज देना चाहूंगा ये ला इलाज खुदा की हजूरी में नहीं है आप आज ही तोबा करें आज ही अपने दिल को खुदा को दे दें तो देखें फिर खुदा इस दिल को दोबारा से किस तरह सेहत बख्श करता है सेहतमंद करता है और किस तरह फिर इस दिल में खुदा की जिंदगी जो है वो दौड़ती है खुदा का कलाम इस दिल में दौड़ता है खुदा के ख्याल उसके तस्वुरा उसकी ख्वाहिशें इस दिल में दौड़ती हैं ये उस वक्त होगा जब आप अपने दिल को खुदा की हजूरी में उसको दे देंगे जब वो कहता है कि ए मेरे बेटे आज की डिवाइन डायरेक्शन अपने दिल को मुझे दे तो आप कहें कि बाप ले ले मेरे दिल को तो फिर देखें कि किस तरह आपकी जिंदगी चेंज होती है और हिस्कियल की किताब में आया है उनको मैं एक नया दिल दूंगा और एक नई रूह उनके बातन में डालूंगा मैं उनके संगीन दिल को निकाल दूंगा और एक गोश्तीन दिल उनको दूंगा और अपने हुक्मों पर उनको अमल करवाऊंगा वो मेरे हुक्मों पर अमल करेंगे और दिल से मेरी हजूरी में चलेंगे खुदा कह रहा है स्पिरिचुअल हार्ट प्लांट यानी खुदा कहता है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसके दिल, का करूंगा और एक नया दिल, दिल उनके सीनों में डालूंगा एक नई रूह उनके बातन में मैं डालूंगा और फिर वो मेरी नाफरमानी नहीं करेंगे बल्कि मैं उनको अपने हुक्म पर अमल करना जो है वो सिखाऊंगा वो मेरे हुक्मों पर मेरे आइन पर मेरे अमाल पर अमल करेंगे जब मैं उनको एक नया दिल दूंगा और पलूस रसूल कहता है जो खुदाम यस्सु मसीह है वो नई मखलूक है पुरानी चीजें जाती रही और देखो सब नई हो गई यानी जो यस्सु में है वो नई मखलूक बन चुके हैं यानी उनको नया दिल दे दिया है उनके बातन के अंदर नई रूह डाल दी गई है एक ऐसा नया गोश्त दिल, दिल उनको दे दिया है जो खुदावंत की ना फरमानी नहीं बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करना जानता है ऐसा दिल जो है वो खुदावंद जो है वो हमें देता है जब हम उसकी हजूरी में आते हैं जब हम अपने दिलों को उसको दे देते हैं तो फिर वो हार्ट ट्रांसप्लांट करके एक नया दिल देता है और याद रखे खुदावंद से सारे दिल से मोहब्बत करना ही खुदा को दिल देना है खुदा को दिल देने का मतलब है कि एक शख्स का खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत करना और योहन्ना कहता है जो खुदा की मोहब्बत में कायम रहता है खुदा भी उसमें कायम रहता है और खुदावंत की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और खुदा के हुक्म सख्त नहीं है आए आज हम अपने दिल को पूरे दिल को अनडिवाइडेड हार्ट को खुदा को दे दें ताकि खुदा इस दिल की हिफाजत करे वो इसलिए दिल लेना चाहता है वो इसलिए इंसान का दिल जो है वो लेना चाहता है इसकी डिमांड करता है क्योंकि वो हमारे दिलों में रहना चाहता है वो हमारे दिलों में हमारे साथ रहना चाहता है हमें बरकत देना चाहता है अपने ख्याल से अपने कलाम से हमें भरना चाहता है इसलिए आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है गिव योर होल हार्ट टू तो गॉड यानी अपना सारा दिल खुदाम को दे दे तो दे दें जिन्होंने अभी तक जो है वो नहीं दिया हुआ क्योंकि फलूस कहता है कि आज का दिन न जात का दिन है अगर आप रूहानी तौर पर दिली तौर पर मुर्दा है अगर आपके दिल बीमार है और बीमारी वो लाइलाज है लेकिन मसीह जो है उसके पास हर बीमारी का रूहानी जिस्मानी बीमारियों का इलाज है मसीह के पास आ जाएं और हर तरह की दिली रूहानी बीमारियों से शिफा पा जाए अपने दिल की हिफाजत करें सुलेमान कहते हैं अपने दिल की हिफाजत करें क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है यानी इसी दिल से जो हमारा बदन है वो जिंदा रहता है अगर ये दिल जो है वो ठीक होगा तंदुरुस्त होगा तो यही रूहानी दिल जो है हमारी रूह को जो है वो जिंदा रखेगा कब वो जिंदा रखेगा जब हम अपने सारे दिल से अपनी सारी ताकत से अपनी सारी जान से खुदावंत से मोहब्बत करेंगे और उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर खुदा जो है वो इस दिल की हिफाजत करेगा और हमेशा इस दिल में रहेगा खुदावंत आपको बरकत दे और मेरा ईमान है कि आज की डिवाइन डायरेक्शन के जरिए से गिव योर होल हार्ट टू गॉड अपने सारे दिल को खुदावंत को दें इस डिवाइन डायरेक्शन के जरिए से आपने कसरत के साथ बरकत पाई होगी और जिनके दिल मुर्दा थे बीमार थे इस कलाम से उनके दिल जरूर ही जिंदा हो गए होंगे आइंदा जी उम्र रात को शाम आठ बजे फिर हम एक नई डायरेक्शन के साथ मिलेंगे गॉड ब्लेस यू